तो गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर एक बार फिर से हमारे पास है ये एयर सोफा। तो गाइस यार इसकी कुछ ही दिनों पहले हमने अनबॉक्सिंग की थी, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है और अगर इसके बारे में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके इसे देख लेना। तो गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर हम इस चीज के साथ में एक और कमाल का टेस्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इसे जो है पानी के ऊपर तैराने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या हम इस सोफे की मदद से एज अ बोट पानी के ऊपर तैर सकते हैं या फिर नहीं। तो गाइस यार अगर ऐसा पॉसिबल हो जाएगा तो यकीनन मजा आ जाएगा, फिर तो जो पार्टी है वो सोफे के ऊपर ही पानी के अंदर होगी। तो गाइस यार ये कुछ इस तरीके का सोफा है, आप देख सकते हैं कितना छोटा सा है, इसके अंदर आसानी से आ जाता है। देखो इतना सा, देखो इसको आसानी से कहीं पे भी उठा के लेके जाया जा सकता है। देखो तो गाइस यार सबसे पहले हमें इसके अंदर हवा भरनी होगी, फिर वो रहा वहाँ पर पानी। तो गाइस यार ये जो हमारी छोटी सी प्यारी सी झील है जिसके अंदर अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, अभी वो ज़्यादा भरी नहीं है देखो, लेकिन हाँ इतना पानी है कि आज की इस वीडियो के अंदर इसका टेस्ट हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो गाइस यार आप जो है ऊपर वाले से थोड़ी दुआ करना कि बस जम जमा जम बारिश आए और हमारी ये जो झील है ये ऊपर तक भर जाए। हालांकि अभी भी अंदर से काफ़ी गहरी है कि उसके अंदर जिसको तैरना ना आता हो वो डूब सकता है। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ भी कहीं पे भी ट्राई मत करना, यहाँ पे भी आके मत करना, ठीक है, कहीं पे भी मत करना। सोच लो फटाफट से इसके अंदर हवा भरते हैं और फिर इसे पानी के अंदर तैरा के देखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है चलो इसके अंदर हवा भरते हैं, आ जा। हरे हरे खेतों में कभी तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अभी बारिश नहीं हुई है, वरना ये वाला जो कुआ है ये भी यहाँ यहाँ तक भरा हुआ रहता है और इसके अंदर हम कूदते थे धमाक धमाक धमाक, अभी गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए साइड से चलते हैं। कैमरामैन साइड से आ जा। बाकी गाइस हरे हरे खेतों में कभी तुम आओ ना, तो इसको चलाने के लिए इसको भरने के लिए लाइट की जरूरत होती है, तो वहाँ पर लाइट है, वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे भरते हैं। ठीक है एक बार फिर से, हरे हरे खेतों में कभी तुम आओ ना। गाइस साफ वाफ भी हो सकता है यहाँ पे देख के ध्यान से, चलो आ जाओ, फुल ऑक्सीजन है यहाँ पे, वहां लद्दाख गए थे वहां पे ऑक्सीजन की कमी थी, यहाँ पे सपट सपट ऑक्सीजन है, दबा के हास को नारी की हास को नारी ऑक्सीजन ही को ना डे, किसी भी चीज की अति हो ना तो ऐसा बोलो करो सपट सपट है सपट, क्या बोलते कैमरा मैन सपट सपट, आ जाओ इधर देखो गाइस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम ऑन कम ऑन। ये है बाजरा और ये है बाजरा और उधर है मकई, मकई हमारे यहाँ मक्की बोलते हैं, आ जाओ। और ये रहा हमारा इंजन, इंजन और बाहरी डीपी, बट डीपी है डीपी डीपी में ना करेंट आ लाइट आ, ठीक है वो भेरो और भी खतरनाक है, आ जाओ माँ को ना मतलब यार दोस्त मैं तो माँ को ये बयान मतलब की तो एक मिनट में कुआं दिखा देता हूँ तो रेडी कर, आ जाओ गाइस कुआं कुआं। हाँ गाइस देखो कुआं कुआं देखो, ये रहा क्या बात है, आराम से चलो फटाफट से पानी भरते हैं, बारिश आ रही है इसलिए मतलब हवा भरते हैं सोफे के अंदर। ठीक है लगाओ, गाइज यार ये तैयार हो गया हमारा एयर सोफा। गाइज आप देख सकते हैं कि ये सच में काफ़ी बड़ा है, तो अगर ये बोट की तरह काम कर जाता है तो यकीनन मज़ा आ जाएगा। तो चलो इसे लेके चलते हैं पानी के पास में, आ जाओ। Alright guys, तो चलो अब इसे पानी के अंदर डालते हैं, रुक जा भी मत डालियो, ये चप्पू और ये चप्पू अगर बोट काम कर जाए तो तैरने के लिए चप्पू भी है। तो चलो फटाफट से मैं अपने शूज उतार लेता हूँ, कुछ पैसे भी रखता हूँ मैं अपने पास में, चॉकलेट वॉकलेट कोल्ड ड्रिंक वॉर्डिंग के लिए ये भी इसे दे देते, ठीक है
अरे मेरे पास भी 20 रुपए। तेरे पास 20 रुपए ले, इधर दे इधर दे, जल्दी पकड़ जल्दी पकड़। खाली इसके तो खाली, वापस मत दे इसको, रुको। हाँ ठीक है गाइस, टिका दे यहाँ ऐसे ऊपर उधर सीधा। हाँ। ये तैर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सोफा तो काफी अच्छे से तैर रहा है, लेकिन ये अपने को यानी कि मुझे तैरा पाएगा या फिर नहीं ये देखना अभी बाकी है। ये टी शर्ट भी खोलनी पड़ेगी क्योंकि घर वाले धोने में थोड़ी सी चिक चिक करते हैं फिर इतनी गंदी होने के बाद। ठीक है, ये जो एक अपना लाइफ गार्ड है इसे ये जैकेट पहना देते हैं। ठीक है गाइस, अभी पूरा सोफा जो है पूरी तरीके से पानी के ऊपर है। ठीक है, मैं बैठने की कोशिश करता हूँ। 1 2 3 गाइस गाइस देखो इट वर्क्स। ओ तेरी, मैं सोचा नहीं था इतना अच्छे से काम करेगा। देखो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैं पानी के अंदर हूँ, ऐसा लग रहा है जमीन पे हूँ। ठीक है गाइस, इस पे आते हैं। ओ तेरी गाइस, ये तो अकेला ही काम कर रहा है यार। मैं तैर के आपके पास आता हूँ चप्पू लेने के लिए। ठीक है, ओए गाइस आता हूँ ऐसे ही तैर के, सांप की तरह। ठीक है, ओए तैर के आता हूँ। ये गाइस आप देख सकते हैं कि यार ये तो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है यार। एक काम कर बलवीर, तू भी आ जा आ जा, ये तो कमलेगा, मेरे को लग रहा है कमलेगा। हाँ बैठ जा बैठ जा, मस्त तो बैठ जा। गाइस ये तो हम दोनों का वजन आसानी से उठा रहे हैं। ये ले एक पकड़ ले, तू इधर की साइड मार, मैं उधर की साइड मारता हूँ। ठीक है, थोड़ा अंदर जाके आते हैं। मैं ना अब मैं इस पे खड़ा होने की कोशिश करता हूँ। ठीक है गाइस, खड़ा होने की कोशिश करते हैं। पूरा एक्सट्रीम ड्रेस लेंगे। तेरी तो मैं बचाने आ रहा हूँ। अरे वो जा रही है, बोट जा रही है। सोफा सोफा, रवि कम ऑन, रवि सेव आवर सोफा, भाग के जा उससे बैठ के आ जा, फोन वगैरह बाहर निकाल दे। हाँ उसके पास भी पैसे, पैसा सबके पास है यार, पैसा ही पैसा। रवि थैंक यू सो मच, रवि सेव्स आवर लाइफ। ना डांस कर, डांस कर, डांस नागिन नो। अबे नागिन के बच्चे। ओ गाइस गाइस, मैंने अभी एक नई चीज डिस्कवर की है। तुम्हारी तो वो सोफा जा रहा है, रवि सेव आवर सोफा। गाइस रवि को भी तैरना आता है और मैंने अभी अभी एक नई चीज डिस्कवर की। देखो वो पानी के अंदर क्या है, गाइस पानी के अंदर क्या है, ओह माय गॉड पानी के अंदर क्या है। अरे ये तो मेरी जेब है, अभी इसकी हवा निकालते हैं। देखो जेब के अंदर हवा भरी हुई गैस है, गैस। गाइस मैंने जो गैस छोड़ी थी वो इसके अंदर भर गई है और इसके अंदर अभी मीथेन गैस। मैं पानी के बाहर जाऊंगा, इसके अंदर आग लगा दूंगा। ये तीन का वजन तो आसानी से सह रहा है। ओ माय गॉड गाइस, 5 बंदों का वजन ये आसानी से उठा रहा है। देखो 5 बंदे आराम से, 5 बंदे। ऑलराइट गाइस, ओ तुम्हारी तो रुक रुक रुक, उतर 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 आराम से आराम से। तो गाइस ये कुछ इस तरीके से फोल्ड हो जाता है, आपको पता है। रुको, ठीक है अभी इसके अंदर बैठ के देखते हैं। ठीक है बैठो, एक जना बैठो। तो गाइस यार इस तरीके से बैठना काफी मुश्किल है, वो अकेला तो बैठ गया। और साथ ही साथ गाइस ये एक और तरीके से भी फोल्ड होता है। रुको रुको छोड़ो, ये देखो इस तरीके से ये बिस्तर बन जाता है। देखो ये गोवा वाले बीच पे सोफा लेके और कॉपीराइट आ जाए, कॉपीराइट आया। तो गाइस यार आई होप ये वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं सिर्फ 3 लाख लाइक्स। जब इसके अंदर और ज्यादा पानी भर जाएगा तब वीडियो बनाएंगे, तब लाइक एम भी बढ़ा देंगे। बाकी आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जय भारत। थैंक यू।